सभी का स्वागत है बी फूडीज में। मैं हूं चुमकी और मैं एक होम मेकर हूं। मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके लिए मुझे फटाफट कुछ ना कुछ बनानी पड़ती है, तो मैं लेके आई हूं कुछ ऐसी रेसिपीज जो बहुत जल्दी बन जाते हैं और आपके टाइम सेव करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की रेसिपी। आज की रेसिपी के लिए आपको चाहिए बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़े से कैप्सिकम, उबले हुए कॉर्न और कद्दूकस किया हुआ गाजर। इन सब को आपको मिक्स कर लेना है। आधा चम्मच ओरिगैनो डालना है उसमें और नमक डालना है स्वाद अनुसार। आप चाहे तो आप अपने पसंद के मसाले भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि आमचूर, जीरा पाउडर। मुझे ओरिगैनो का स्वाद अच्छा लगता है और घर पे सब पसंद करते हैं। अब ब्रेड को अच्छे से बटर लगा लीजिए। मैंने एक यहाँ पे एक स्पाइसी वाला बनाया है और एक केचप वाला बनाया है। स्पाइसी वाले में मैंने यूज किया है सेजवान सॉस, जिसको आप अच्छे से स्प्रेड कर लो ब्रेड के एक साइड पे। और जो मिक्सचर बनाया हुआ है उसको आप स्प्रेड कर लो उसके ऊपर। अब इसके ऊपर हमें डालना है ग्रेटेड चीज। अगर आपके पास चीज क्यूब हो तो आप उसको कद्दूकस करके डाल सकते हो। एक ग्रेटेड चीज के साथ मैंने बना लिया है। अब मैं दूसरा बनाऊंगी केचप के साथ। मेरे बच्चों को केचप बहुत पसंद है, तो मैं टोमेटो केचप के साथ दूसरा वाला जो सैंडविच है मैं वो बनाऊंगी। अब बाकी का मिक्सचर जो है उसमें मैं स्प्रेड कर दूंगी उसके ऊपर। फिर मैंने यहाँ पे लिया है एक चीज स्लाइस। और इसको मैंने रेडी कर लिया है। अब मैं इसको अपने सैंडविच मेकर में बनाऊंगी। आप चाहे तो तवे पे भी बना सकते हैं, मैं कभी कभी तवे पे बनाती हूँ। और ये हो गया रेडी आपका चीज चिली सैंडविच, है ना मजेदार। अगर आपको मेरा ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं लेके आने वाली हूँ ऐसे ही बहुत सारी रेसिपीज। सो कीप वॉचिंग।